कभी नहीं चाहते थे कि जंगल राज की दोबारा वापसी हो। एक नॉमी फेल व्यक्ति यहाँ चीफ मिनिस्टर बने। टक्कर वक्कर कुछ नहीं है, जीत एनडीए की हो रही है। 15 साल पहले जंगल राज भी देखा है और 15 साल का विकास भी देखा है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम खड़े हैं बिहार में, बिहार की राजधानी पटना के बीजेपी दफ्तर में। भारतीय जनता पार्टी का ये दफ्तर है और यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ है, समर्थकों की भीड़ है, आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ परिणाम होने वाले। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जिस तरीके से एनडीए जो है वो आगे जा रहा है और महागठबंधन जो है वो बैकफुट पे आता दिख रहा है, क्या कुछ नतीजे होने वाले, कुछ देर में और साफ होने वाला है क्योंकि देर रात मतगणना चलने वाली है। लेकिन जो खुशी, जो जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है यहाँ पे दफ्तर में, ये खुद में काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे भीड़ भीड़ देख सकते हैं और इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार किसकी बनने वाली। खैर, बनने किसकी वाली है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ के समर्थकों से, इस दफ्तर में जो लोग अभी मौजूद हैं उनसे हम बात करके देखते हैं क्या कुछ जश्न का माहौल, किस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। हमें बहुत खुशी है और ये अखंड भारत वर्ष में राम राज्य की पहली नींव पड़ चुकी है। बिहार चुनाव के परिणाम, ये अखंड भारत वर्ष में राम राज्य का पहला नींव पड़ चुका है। बिहार चुनाव का परिणाम ये साबित कर, एनडीए निकल रहा है अभी रुझान में। अगर मैं सुबह की बात करूँ तो सुबह जिस तरीके से महागठबंधन आगे जा रहा था, हम लोग का सुनिश्चित था जीत, हम लोग का सुनिश्चित था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो देख रहे हैं आप जिस तरीके से यहाँ पे जो चल रहा है, और मैं अपने वीडियो चलने से कहना चाहूँगा, जरा आप इधर दिखाइए, वीडियो दिखाइए इधर। जिस तरह का आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जिस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है, वो खुद में आप समझ सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक और बीजेपी के जो भी समर्थक हैं उनमें ये देख के लग रहा है कि किस तरह महागठबंधन की हार होती दिख रही है बिहार में। अब रिजल्ट्स में कुछ देर आने में बाकी है और कुछ ही देर में पता चलने वाला है कि सरकार किसकी बनने वाली है। जो जश्न का माहौल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो कार्यकर्ता है वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुद में आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से, जिस तरीके से परिणाम अभी सामने आ रहे हैं, एनडीए आगे जा रहा है, ठीक है, महागठबंधन जो है अभी बैकफुट पे आता दिख रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहेंगे कि एक खास विचारधारा के पत्रकारों ने, मीडिया चैनलों ने गलत फहमी पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने महागठबंधन को बहुत बड़ा जो है सो उसको बढ़त बचाया, जबकि जमीनी सच्चाई कुछ और थी। जमीनी सच्चाई ये थी कि लोग कभी नहीं चाहते थे कि जंगल राज की दोबारा वापसी हो। एक नॉमी फेल व्यक्ति यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, बिहार में डबल इंजन की सरकार थे। हाँ, और उस सरकार के आर में एक बार फिर से यहाँ अराजकता, फिरौती का धंधा शुरू हो जाए, इसलिए जनता ने जो सरकार 15 साल से चल रही थी उसी के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। हमें खुशी है कि देश, बिहार प्रदेश एक बहुत बड़े अराजकता से बचा लिया है यहाँ के लोगों ने, वो बधाई के पात्र है। कि जिस तरीके से अभी एनडीए आगे जा रहा है, महागठबंधन जो है वो बैकफुट पे आता दिख रहा है, सुबह तक रुझान कुछ और थे, जबरदस्त टक्कर दोनों में चल रही थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? टक्कर वक्कर कुछ नहीं है, जीत एनडीए की हो रही है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बना रहे हैं। हम अभी मोहद्दी नगर विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं। हम अपना प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह को 13,500 मतों से विजय बनाने का काम किए हैं। हम लोगों ने, बिहार की जनता ने विकास को वोट दिए। भीड़ देख के वोट नहीं होती, विकास पे वोट होता है। किस तरह से आप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो नीतीश जी हैं, तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये हमारे शीर्ष नेता जो चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है। आप बताइए कि जिस तरीके से सुबह हम देख रहे थे वोट जो रुझान चल रहा था, एनडीए महागठबंधन जो दोनों है वो दोनों बराबरी से चल रही थी, टक्कर जो थी दोनों की कड़ी थी, लेकिन अभी के जो अभी आ रहे हैं सामने जो नतीजे आ रहे हैं उसमें जो है एनडीए आगे जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, जनता ने सब कुछ देखा है पिछले 15 साल पहले, जंगल राज भी देखा है और 15 साल का विकास भी देखा है, और जनता ने यह निर्णय लिया है फिर से एनडीए की सरकार बने और बिहार में विकास की राह बने। तो फिलहाल अभी हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में और जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ जुट रही है, नतीजे अभी घोषित भी नहीं हुए लेकिन भीड़ जुट रही है, समर्थक, कार्यकर्ता, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे खड़े हैं, जश्न मना रहे हैं, अपने अपने तरीके से खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। और अब वक्त है
तो बिहार में जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जब घोषित होने वाले तो पता चलेगा कि आखिर में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कि यहाँ पर जिस तरीके से मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप दिखाइए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर झंडा लहराया जा रहा है भाजपा का, आप इस चीज़ से खुद समझ सकते हैं कि जनता में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं खुद में श्योर है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ वो यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है, जश्न का माहौल है और अभी से ही स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ शुरू हो चुका है, खुशी मना रहे हैं लोग। अब वक्त कीजिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि कुछ ही देरों में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है वो घोषित होने वाले हैं और पता चलने वाला है कि सरकार किसकी बनेगी। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।